तो ये सब करके कुछ मिलेगा रुद्र जी? आपके ये खूबसूरत बीवी ऐसे ऐसे तानों के बाण मारे है ना कि घाव जिंदगी भर नहीं भरेगा। बिंदु शांत हो जाओ, हम हाथ जोड़ते हैं भगवान के लिए, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। बिंदु ले राजकुमार जैसा, हमारा नाती अपने राजकुमार जैसे दामाद को चोर बना दिए ये लोग। बिंदु बहू ली हो तो बेटी दी हो इस घर में, बहू ली हो मत कीजिए, रुकिए ना जरा, हमको फरियाने दीजिए। कोयल बिंदु अब हाँ जी कोयल जी, खाली ना आप नाम से ही कोयल, लेकिन आवाज एकदम बुढ़ा कौवा के जैसा कर्कश। और एक बात याद रखिएगा, जिस औरत का जुबान कर्कश होता है ना, वो ना घर की होती है ना घाट की। दादी आपको जो कहना है हमसे कहिए। रुद्र ने मांगी इंदु से माफी, वेदांत को लगा पूरा। इंदु जी हमें माफ कर दीजिए, हम हाँ नहीं मम्मी, आप किसी के आगे हाथ नहीं छोड़ेंगे, आप किसी के आगे हाथ छोड़ेंगे अगर मंजूर नहीं है। अब बेवजह किसी को बदनाम कर रही है मंजूर है? वेल कलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो सुहागन के ऑन लोकेशन से हम लेकर आ गए हैं आपके लिए न्यू अपडेट, जहां आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे बहुत सारा ड्रामा। जी हां, आपको बताते हैं, जहां अब तक आपने देखा कि कोयल ने श्लोक पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था पर वो झूठा साबित हो जाता है, जिसके बाद इंदु काफ़ी भड़क जाती है और कोयल को काफ़ी कुछ सुनाने लगती है। फिर उसके बाद वो स्वरा के पास जाता है और स्वरा से हुई इस गलती के लिए माफ़ी मांगता है, जहाँ पर स्वरा वेदांत को कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वेल यहाँ आने वाले अपकमिंग ट्रैक में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्या स्वरा अपने दोनों घर वाले के बीच आने वाले अपकमिंग ट्रैक में ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्या स्वरा अपने दोनों घर वाले के बिगड़ते हुए रिश्ते को बचा पाएगी या नहीं, क्या कोयल के इस गलती के वजह से स्वरा का रिश्ता अपने मायके से टूट जाएगा। वेल आने वाले अपकमिंग ट्रैक को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और टेलीविजन से जुड़ी इसी तरह की ढेर सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।